बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बसीरत में हाज़िर ख़िदमत हैं। दौरे हाज़र में बहुत सारी अमराज ऐसी हैं कि जो ज़हनी टेंशन की वजह से वो जन्म लेती हैं। उन अमराज में से एक मर्ज़ है शुगर की। हम ये समझते हैं कि खाना पीना ज़्यादा करने से, मीठा ज़्यादा खाने से जो है वो शुगर जो है वो ज़्यादा होती है, लेकिन ठीक है, वो दुरुस्त है। ज़्यादा टेंशन लेने से शुगर बढ़ती है, और शुगर में जो शुगर मर्ज़ है ये अमूमी तौर पर अक्सर लोग इसमें मुब्तला होते हैं, और उस शुगर के लिए वो दवाई इस्तेमाल करते हैं, सुबह शाम दवाई इस्तेमाल करते हैं, टीके इस्तेमाल करते हैं, मगर वो चूँकि उनकी बीमारी ऐसी बन चुकी है कि अब दवाई के बग़ैर वो गुज़र बसर नहीं कर सकते। कभी लो हो जाती है, कभी हाई हो जाती है। तो आज उस हवाले से एक कुरानी नुस्खा आपके गोश गुजार करता हूँ। आप इसको मुसलसल 40 दिन तक इंशाल्लाह करेंगे तो आपकी शुगर का जो मसला है, जो बीमारी है, इससे आप निजात हासिल कर लेंगे। इसको 3 मरतबा पढ़कर पानी पर दम करके पिएं, अव्वल आखर 3 दरवा दरूद पढ़ें। ये वजीफ़ा सुन लें। सूरह बनी इसराइल आयत है, रब्बि अदखिलनी मुदखल सिदकिन व अखरिजनी मुखरज सिदकिन व जअल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। इस वजीफ़े को 3 मरतबा पानी पर दम करें, और उसके बाद ये पानी आप नोश फरमा लें। 40 दिन तक ये वजीफ़ा दम करके इस्तेमाल करें, आप हमेशा के लिए शुगर से निजात हासिल कर सकते हैं। और मैं वसूख से कहता हूँ कि आप दवाई जो आप शुगर के साथ इस्तेमाल करते हैं उससे भी आपको निजात हासिल होगी। शुगर से बचने के लिए इस अहम तरीन वजीफ़े को ज़रूर आप एक दफ़ा अप्लाई करें। मज़ीद मालूमात के लिए, दिगर अमराज के लिए, रूहानी इलाज पूछने के लिए स्क्रीन पर मौजूद नंबर पर राबता फरमा कर आप मज़ीद वज़ाइफ हासिल कर सकते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।